हर घर के लिए ज़रूरी है, हर परिवार के लिए सुनना और जानना ज़रूरी है। भाई दहेज ले लिया लड़के ने या मांग लिया। मैं लड़का हूँ, मैं डिमांड करता हूँ कि मेरे को कोई गाड़ी चाहिए या मेरे को कोई बाइक चाहिए या मेरे को कोई कैश चाहिए। डोरी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है दहेज देने वाला और लेने वाला इन द आईज ऑफ लॉ गुनाह है। उनके सामने ऐसा केस अभी आपका कोई आया है? दोनों पक्षों पर केस इस टॉपिक के ऊपर मैंने 4-5 केसेस किए। लड़की वाले को रिश्ता तोड़ना हो वो एक डिमांड का बहाना लेके दहेज का केस कर दे झूठा। पुलिस क्या करती है कि कई बार जैसे केस दर्ज तक नहीं होता, केस दर्ज कर लेते हैं तो उसको सुना चक्कर कटवाते रहते हैं, उस हालत में वो लड़की वाला करे क्या? आप पुलिस स्टेशन गए, वहाँ काम नहीं हुआ, तो इसमें देखो दो तरीके हैं। कोर्ट का ऑर्डर आया, आप इसकी FIR दर्ज करें, आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो बाउंड हो जाते हैं फिर कोर्ट के ऑर्डर के साथ। ये ऐसा नहीं है कि पुलिस उसके बाद अपनी मनमर्जी का कुछ भी लिख देगी, कोर्ट उसको पर्टिकुलरली आदेश देगा। दो सबूत आपके पास, सीधा कोर्ट में जाइए, आप सभी को लपेटे में ले सकते हैं। उसमें लड़के वाला क्या करे, कैसे बचे? FIR को ही रद्द करवा सकते हैं। और पुलिस वाले बार बार थाने का चक्कर कटवाते हैं, तो ये फिर इस सिचुएशन में वो करे क्या? पुलिस वाले क्या करते थे, पूरे परिवार को एक तरीके से वो अरेस्ट कर लेते थे तुरंत। दे आर नॉट बाउंड बाय दिस जजमेंट, वो बाउंड नहीं है इस जजमेंट को देने के लिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम आपके सामने पूरे भारत के लिए एक अच्छी खासी जानकारी साझा करेंगे जो आपके हर घर के लिए ज़रूरी है, हर परिवार के लिए सुनना और जानना ज़रूरी है। आज मेरे साथ खास बातचीत में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दीपक, जो एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। मेरे खास बातचीत में दहेज के लेके बातचीत होगी, डिवोर्स को लेके बातचीत होगी और भी कई विषयों पे बातचीत करेंगे क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट एक बहुत ही सेंसर कोर्ट है और देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। तो दीपक जी से बातचीत करेंगे, युवा हैं, जज्बाती जोश से भरे हुए एडवोकेट हैं, हमारे साथ अक्सर बातचीत में होते हैं, तो आज फिर दोबारा से इसी कड़ी में हम बातचीत करेंगे। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को आने वाली नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। सबके लिए कामना करते हैं कि आने वाला नव वर्ष जो हो सबके लिए खुशियां भरा रहे। आज बातचीत कर रहे हैं जी, पूरा देश देख रहा है आपको अभी, तो दिल्ली हाई कोर्ट में बैठते हैं दीपक जी। तो धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और आपने इतना इस काबिल समझा कि बातचीत के लिए आप लेके आए। सबसे पहले अमित जी, आज टॉपिक पे आते हैं, लोग देख रहे हैं अभी, सुन भी रहे हैं आपको, कि दहेज को लेके बातचीत करते हैं। अभी आपने हमारी खबरें भी देखी होंगी कई बार, क्योंकि काफ़ी हाईलाइट हुई है वो खबरें दहेज को लेके, और बड़े बड़े लोग सड़कों पे उतरे हैं, भाई दहेज ले लिया लड़के ने या मांग लिया इस तरीके से। तो आज सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा, उसके बाद डिवोर्स पे आते हैं। तो दहेज लेना और देना दोनों पाप आपकी नज़र में, क्योंकि हाईकोर्ट बहुत बड़ा एक है, वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। बिल्कुल मुन्ना भाई, ये क्या है कि दहेज जो है ना वो पाप है ये हम मानते हैं, बट दूसरी चीज़ क्या है कि डोवरी जो है ना, दहेज जिसको हम डोवरी बोलते हैं, इसको सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये डोवरी प्रोहिबिटेशन एक्ट, इसके तहत डोवरी को समझा जाता है। अच्छा, ये एक्ट 1961 में हमारी सरकार ने बनाया, ठीक है। अच्छा, डोवरी की डेफिनेशन को समझना सबसे पहले वो ज़रूरी है। इसमें क्या है, डेफिनेशन के अंदर डोवरी जो सेक्शन 2 जो है वो उसको डिफाइन करता है। तो डोवरी के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है दहेज देने वाला और लेने वाला, दोनों ही डोवरी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, जो दोनों ही इन द आईज ऑफ लॉ गुनाह है। ना देना और ना लेना, अगर आप खुद से अपनी लड़की को दहेज दे रहे हैं तो वो भी एक, अगर डोवरी के अंदर डोवरी के तहत दे रहे हैं, दहेज के रूप में दे रहे हैं, तो वो भी इल्लीगल हैं। और अगर आप डिमांड कर रहे हैं किसी भी तरीके से, भाई मैं लड़का हूँ, मैं डिमांड करता हूँ कि मेरे को कोई गाड़ी चाहिए या मेरे को कोई बाइक चाहिए या मेरे को कोई कैश चाहिए, तो वो भी इन द आइज ऑफ लॉ इल्लीगल चीज़ है। तो फिर इसमें जैसे, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेना और देना दोनों पाप है दीपक जी, लेकिन फिर भी लोग देते हैं दहेज मांगते हैं, तो दोनों पक्षों पे केस विभिन्न धाराओं के तहत जैसे दर्ज होगा? बिल्कुल, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, वो जो पार्टी एलिगेशन लगाती है सेकंड पार्टी के ऊपर ऑटोमेटिकली एक बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है, ठीक है। अगर मैं दहेज दे रहा हूँ, ठीक है, अगली पार्टी ये बोलती है कि नहीं मेरे को दहेज नहीं लेना, मैं ज़बरदस्ती उस चीज़ को कर रहा हूँ, तो वो भी एलिगेशन लगा सकते हैं, वो भी केस कर सकते हैं। अगर मैं डिमांड कर रहा हूँ
तो भी वो एलिगेशन के तहत उसको मतलब डोवरी के अंदर उसको ले जा सकते हैं। तो दोनों के सामने ऐसा केस अभी आपका कोई आया है दोनों पक्षों पर केस? हाँ बिल्कुल, इन चीज़ों की डीलिंग मैंने पिछले 6-7 महीने में मतलब ऐसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने 4-5 केसेस किए हैं। तो इसमें दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे आम जनता की भावनाएं समझते हैं, जैसे मैंने आपके न्यूज़ आपने जो कवर की 2-3 सिचुएशन, शायद नाम लेना ठीक नहीं होगा, बट आपकी जो कवरिंग थी उसमें मैंने देखा 2-3 सिचुएशन ऐसी हैं कि लड़का कोई जॉब में है, लड़की वाले गए हैं, एट लास्ट मोमेंट जब कार्ड बट चुके हैं, जो भी रिश्तेदार हैं वो आ चुके हैं, लास्ट मोमेंट पे जब लड़की के पिताजी या उसके घर वाले उसके घर जाते हैं सामान देने के लिए, वहाँ जाते ही डिमांड बढ़ जाती है, उस कारण से वो रिश्ते टूटे हैं। तो अगर सिर्फ ये एक एरोगेंस लेके चलें कि नहीं मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या फिर नहीं मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मेरे को इतना चाहिए, तो पहली बात पर्सनली मैं मानता हूँ कि उन चीज़ों को पहले ही मना कर देना चाहिए। सुनो जी, अभी दीपक जी, चलो मान लेते हैं दहेज ले लिया, लड़का जॉब में, हमने कई खबरें दिखाई और वो रिश्ता हुआ भी नहीं, दहेज के कारण वो रिश्ता टूट गया, तो उस हालत में लड़की वाला क्या करे? उस हालत में लड़की वाला दहेज का केस कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर मतलब यूं मान करके चलो कि सिचुएशंस देखी जाती हैं कि भाई एक्चुअल में कोई ऐसी चीज़, इसके भी दो पहलू हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। कई बार हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लड़की वाले को रिश्ता तोड़ना हो, तो एक डिमांड का बहाना लेके दहेज का केस कर दे झूठा। नहीं झूठे पे कई देखे हैं जो नहीं सर, वो झूठे पे बाद में आएंगे, कई पे नहीं, सब 75-80% झूठे ही मुकदमे होते हैं दहेज के, लेकिन 20% सही भी होते हैं। मैंने खबरें दिखाई हैं, वो सही दिखाई हैं जो दहेज की डिमांड की गई थी। उस हालत में पुलिस क्या करती है कि कई बार जैसे जो पीड़ित होता है लड़की वाला, उसकी सुनाई नहीं करते, उसका केस दर्ज तक नहीं होता, केस दर्ज कर लेते हैं तो उसको सुना चक्कर कटवाते रहते। उस हालत में वो लड़की वाला करे क्या? क्या पुलिस पे ही डिपेंड रहे या फिर कोर्ट का दरवाजा? नहीं देखो क्या होता है, इसमें दो सिचुएशन है मुन्ना भाई। एक मैं सिंपली इस केस के लिए नहीं, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे पुलिस आपका काम नहीं कर रही है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। नहीं करती ही नहीं है पुलिस, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन है, आप पुलिस स्टेशन गए वहाँ काम नहीं हुआ, तो इसमें देखो दो तरीके हैं। एक तो आप रिटर्न फॉर्म में जाके आप वहाँ अपनी एक एप्लीकेशन दे के आए, आपने 2-4 दिन वेट किया, आपको लगा कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका है आप अपनी एप्लीकेशन को उस पुलिस स्टेशन में डाक के थ्रू भेजो, अपनी रिसिप्ट अपने पास रखो, ठीक है, उसका 2-4 दिन वेट करो, कोई रिस्पांस आता है तो ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि वो हमारे पास एक पक्का प्रूफ है कि हमने एक एप्लीकेशन वहाँ दी है, वो ट्रैक कर सकते हैं हम, एक ट्रैकिंग आईडी डाकखाने से हमें मिलती है। उसके बाद हमें जो भी अपना डीसी के पास अपने ज़िले के अंदर वो एप्लीकेशन उसका वेट करके डीसी के पास भेजो, उसके पास भी उसका जो है वो भी ट्रैकिंग आईडी अपने पास रखो, यानी वो भी 2-4 दिन वेट करें हम डीसी के पास वो भेजने के लिए। तो शिकायत में क्या पुलिस का भी साथ मिलकर पुलिस में हमने ये डाला, हमारी कार्रवाई नहीं हुई सर, अब आप हमारी कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, उस चीज़ का है ना, वो जो पहले वाली ट्रैकिंग आईडी है वो साथ लगा करके हमें डीसी के पास देनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि कोर्ट के अंदर डायरेक्ट हम कोई भी केस नहीं ले जा सकते। अगर अपने पास वो दोनों चीज़ें हैं, 2-4 दिन उनका वेट करो, ये ऐसा नहीं है स्पेशल डोरी या कोई भी, ये कोई भी क्रिमिनल केस या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पुलिस आपका काम नहीं कर रही। अच्छा अपने पास दो प्रूफ हो जाते हैं कि हमने यहां भी भेजी है एप्लीकेशन, लोकल पुलिस स्टेशन में भी, हमने डीसी के पास भी भेजी है, वहां से काम नहीं होती ना, तो फिर 156(3) के तहत हम उस दोनों ट्रैकिंग आईडी विद रिकॉर्ड और अपनी एप्लीकेशन फिर हम वो कोर्ट में ले जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर डायरेक्ट एप्लीकेशन ले जाते हैं 156(3) की अप्रूव के लिए, वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपने लोकल के अंदर क्या अपनी एप्लीकेशन दी है। अगर हम वहाँ एप्लीकेशन दे के आते हैं तो अपने पास कोई प्रूफ नहीं होता। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है दीपक जी ने, क्योंकि अक्सर आपका केस दर्ज होते नहीं है, और ये दहेज के मामले का केस नहीं है, कोई भी केस हो अगर आपका केस पुलिस थाने में दर्ज कर लेते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, तो एक एप्लीकेशन वहाँ पर दीजिए आप रिटर्न में, एक एप्लीकेशन अपने घर से डाक द्वारा भेजिए और डाक की रसीद अपने पास रखिए, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो एक वो ही अपना पैटर्न अपने डीसी के पास भेजिए और वहाँ भी वेट कीजिए, 2-4 दिन नहीं होता है फिर दोनों को लेके आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो और पुलिस के वो भी सारी एप्लीकेशन आप लगा सकते हो कोर्ट में जाके, उसके बाद सुनवाई। हाँ उसके बाद वो क्या होता है कि जैसे कोर्ट में वो केस चला गया तो कोर्ट से जज साहब वो उसको अगर कॉग्निजेंस ले लिया, जज साहब को लगा कि हाँ ये ठीक है ये चीज़ मेरे पास आई है, अगर उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया तो वो डायरेक्ट पुलिस को वहीं से कोर्ट के ऑर्डर के
कोर्ट को, कोर्ट के ऑर्डर के साथ वो उसको अप्लीकेबल करना पड़ेगा पुलिस को कि कोर्ट का ऑर्डर आया, आप इसकी FIR दर्ज करें, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाउंड हो जाते हैं फिर कोर्ट के ऑर्डर के साथ। लेकिन वो न्याय तो नहीं मिल पाता, न्याय फिर कैसे, जैसे वो ही पुलिस के पास घूम फिर के, तो पुलिस तो अपने हिसाब से, पुलिस के पर समय भी होता है ना ना, उसमें क्या चीज़ है, अगर जैसे कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो आपने एक अपने फेवर की जो कॉपी है वो आपने कोर्ट में लगा दी, ठीक है, तो आपको जो एप्लीकेशन है ना वो एप्लीकेशन तो आपके कोर्ट के पास भी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस उसके बाद अपनी मनमर्जी का कुछ भी लिख देगी, कोर्ट उसको पर्टिकुलरली आदेश देगा कि आपके पास ये चीज़ें इस टाइम पे आई हैं, ये सिचुएशन हमारी नज़र में आई है, तो आप इसके ऊपर इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कॉग्निजेंस लो, आपको FIR करनी पड़ेगी। दीपक जी बहुत अच्छी बात होगी आपकी है, तो ये जानकारी आपके पास पहुंच चुकी है, ये तो बहुत अच्छी सटीक साझा जानकारी आपके साथ की है, आपके टेंशन खत्म हो चुकी, क्योंकि आप दर दर ठोकर खाते रहते हो, भटकते रहते हो, कभी थाने में, कभी SP के, DSP सबके पास, लेकिन आपके FIR तक दर्ज नहीं होती, पुलिस केस दर्ज नहीं करती है, उसके बाद DC के पास जाते हैं, वहाँ भी कुछ, लेकिन फिर आप घूम फिर के अपने घर पर बैठ जाते हैं, लेकिन आप दो सबूत आपके पास, सीधा कोर्ट में जाइए, आप सभी को लपेटे में ले सकते हैं। अब आते हैं हम दहेज के केस पे, आप कह रहे थे दहेज का केस हम इसके तहत दर्ज कर सकते हैं, तो ये तो हो गया भाई, दर्ज हो गया, चलो कार्रवाई होगी, झूठे मुकदमे थे वो और बता दें, झूठे मुकदमों में क्या होता है मुन्ना भाई, जैसे देखो अगर जैसे मैंने किया झूठा मुकदमा, मेरी सृष्टि या मेरी कोई घर का सदस्य, हमने उन्होंने दहेज मांगे, मैंने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया लड़के वाले पे, तो इस सिचुएशन में लड़के वाला क्या करे, कैसे बचे, उस सब को पता है झूठा मुकदमा है, पुलिस को भी पता है झूठा मुकदमा है, गांव को भी पता है झूठा है, लेकिन हरासमेंट करना और वो चक्कर कटवाना, तो उस देखो क्या होता है मुन्ना भाई, इसमें जैसे ये केसेस एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये केसेस चलते हैं, ठीक है, तो एक सेक्शन 482 CRPC, ठीक है, उसके तहत हम उस केस को हाई कोर्ट के अंदर ले जा सकते हैं। सेक्शन 482 क्या बोलता है, क्वेशिंग ऑफ FIR, अगर हम हाई कोर्ट चले गए 482 की एप्लीकेशन के साथ, वहाँ हम उस FIR को ही रद्द करवा सकते हैं। 482 क्या, CRPC का सेक्शन 482 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्वेशिंग ऑफ FIR जो हाई कोर्ट के पास पावर है, अगर हम अपने केस को हाई कोर्ट की नज़र में ले जाके उस एप्लीकेशन के थ्रू हमें ले जाना पड़ेगा, वहाँ ले जाके सेक्शन 482 के तहत हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम कोर्ट को ये डिमांड करेंगे कि सर ये जो एप्लीकेशन जो है, ये पर्टिकुलर जो FIR जो है, ये FIR ही गलत है, ये FIR हमारे ऊपर बनती ही नहीं, अगर हम वो चीज़ें प्रूव कर देते हैं वहाँ, तो कोर्ट उसको कॉग्निजेंस, अगेन उसको कॉग्निजेंस लेके वो FIR ही रद्द कर देगा। तो ये जो कोर्ट में नीचे लो कोर्ट होते हैं अपने नीचे के, सीधे वहाँ उसी कोर्ट से ऊपर डायरेक्ट ऊपर ले, हाँ, इसमें क्या, अब आपको लगता है इस कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं होनी है या फिर ये लड़की का पक्ष है, आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब ये जो FIR है या ये जो मुकदमा FIR दर्ज हो गई, वो मुकदमा चल रहा है, बट आपको लगता है कि ये मुकदमा हमारे ऊपर बनता नहीं है, ये हमारे ऊपर नाजायज़ केस है, तो हम उसको सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट के अंदर ले जाके उसको FIR को क्वेश करवा सकते हैं। अगर 482 के तहत वहाँ ले गए FIR क्वेश होगी, तो लोअर कोर्ट उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दे सकता। तो ये अपने वकील से बातचीत कर, जो अपना वकील नियुक्त रखे हैं लो कोर्ट में हमने, उसको कहीं 482 के तहत हमारा को केस, हाँ, आप ऊपर एडवोकेट के तहत, एडवोकेट के साथ ही आपको एप्लीकेशन ये लगानी पड़ेगी, एडवोकेट ही है, कोर्ट के अंदर कोई भी फाइट आपको करनी है तो आपको एडवोकेट मस्ट है, तो वहाँ जाके न्याय मिलने की पूरे चांस, बिल्कुल, अगर आप अपनी जगह पे ठीक हैं तो आपको न्याय मिलने की पूरी संभावनाएं। तो ये भी आपके क्लियर कर दी है, कहते हैं कि 80-90% दहेज के केस झूठे होते हैं, तो दहेज के केस झूठे होते हैं तो लोअर कोर्ट में आपके लगता है हमारी सुनवाई नहीं होगी, लड़के वाले पक्ष मजबूत है, और झूठा केस लगता है आपको, और सबको पता है भाई झूठा केस है, सूरत में आप सुप्रीम कोर्ट में अपना केस हाई कोर्ट में ले जा सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, एक केस है गीता मल्होत्रा वर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ UP। अच्छा, इसमें कई बार क्या होता है कि फैमिलीज के अंदर खाली एक डिस्प्यूट होने के बाद, मतलब कोई भी हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो गया, तो उसके बाद अगर वाइफ के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर आ गया या उसने दहेज का कोई केस कर दिया, तो उसमें क्या करता है, एलिगेशंस जो है ना, वो डिस्प्यूट तो हस्बैंड वाइफ का है बट एलिगेशंस वो पूरी फैमिली के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, एलिगेशन पूरी फैमिली के ऊपर क्या होता है, डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ का था, उसके बाद उसका जेठ, जेठानी, ननद, ससुर, सभी पूरे परिवार को उसमें लपेटे में ले लेते, वो तो पक्का पक्का लेंगे सर, हाँ, तो ये दूर दूर के रिश्तेदारों को ही फंसा देते हैं उसमें, इसने भी कहा था दहेज दे दो, उन्हें तो वो कहते हैं इनकी मरोड़ निकालनी है, हाँ, तो इस सिचुएशंस के अंदर मैं सभी को बताना चाहूँगा, एक केस है अपना गीता मल्होत्रा वर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ UP, क्योंकि पता है क्या, कई बार ये केस लॉज जो है ना, इनके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए फॉर आवर जनरल अवेयरनेस, हमें पता चलता रहना चाहिए कि कोर्ट की नज़रों में क्या सही है क्या गलत है, कहीं ऐसा नहीं, कई बार लोगों को क्या होता है कि नॉलेज की कमी होने के कारण हम दब जाते हैं,
तो उस जो ये जो केस है पर्टिकुलर, इस केस के अंदर साफ कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति का, अगर आप दो का डिस्प्यूट है तो आप किसी भी, जो बंदा अगर मान करके चलो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो गया, उसने वाइफ ने एलिगेशन लगा दिया जो उसके हस्बैंड है उनके भाई के ऊपर, भाई वहाँ रहता ही नहीं है और माँ पिता पे भी लगा दिया, हाँ अगर वो साथ ही नहीं रहते, और साथ रहते हो तो, साथ रहते हो तो अगर उनका कोई रोल नहीं है तो इसीलिए ये केसेस जो है ये पढ़ने चाहिए। इस केस के अंदर जजमेंट के अंदर साफ कहा था, कोर्ट ने साफ ये आदेश दिए थे कि जो भी आप दो का डिस्प्यूट है ना, तो आप ये नहीं है कि पूरे परिवार को उठा के लपेटे में ले लिया, आप कम से कम अपने दो का डिस्प्यूट है अपने दो तक सीमित रखें, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते आप कि किसी पूरे परिवार का मतलब इस चीज़ के अंदर लपेटे में लेके एक हैरेस कर दें। तो अक्सर जैसे कि अभी आज थोड़ी बातचीत लंबी जरूर होगी दर्शक, लेकिन आप, आपके बहुत साझा जानकारी कर रहे हैं मेरे पास, दीपक जी हैं दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं, तो उनसे खास बातचीत करें, दहेज के ऊपर ही आज बातचीत होगी हमारी खास। इस सिचुएशन में जैसे कहते हैं कि भाई बहन का, बुआ का, फूफा का, भतीजा का, सबका नाम दर्ज कर देते हैं यहाँ पे और सबको हरासमेंट करते हैं और पुलिस वाले बार बार थाने के चक्कर कटवाते हैं, तो ये फिर इस सिचुएशन में वो करें क्या? फिर इसमें क्या होता है मुन्ना भाई, देखो अब मैं बताता हूँ, एक लेटेस्ट जजमेंट है अपने पास 13 जून 2022 की, वो केस है मुकेश बंसल, ठीक है। अच्छा उस केस के अंदर अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये केस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पेशल एक जजमेंट दी है। इस जजमेंट के अंदर क्या गया है कि कोई भी फॉल्स एलिगेशन अगर आपके ऊपर लगते हैं, तो सबसे पहले क्या होता था कि जैसे ये मामले दर्ज होते हैं 498A के अंदर क्या होती है, क्यूरल्टी, लड़ाई झगड़ा या प्रताड़ना जिसको हम बोल सकते हैं। अच्छा उस प्रताड़ना के अंदर पहले क्या था, पहले ये होता था कि पूरे अगर वाइफ ने जाके एलिगेशन लगाई कोर्ट पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वाले क्या करते थे, पूरे परिवार को एक तरीके से वो अरेस्ट कर लेते थे तुरंत। बट अभी ये जो लेटेस्ट जजमेंट है अपनी, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा है कोर्ट ने स्पेसिफिकली कि पुलिस जो है ना, पहली बात जो आईओ इन मैटर्स का जो आईओ होगा वो पर्टिकुलरली एक ट्रेंड आईओ होगा जिसको मिनिमम 2 हफ्ते की एक ट्रेनिंग दी जाएगी फैमिली मैटर संभालने के लिए। दूसरी बात इसमें ये कहा गया है कि अगर वो आईओ उसको मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसमें ये चीज़ें कही गई हैं कि आपको मिनिमम 2 महीने का टाइम कोर्ट ने कहा है कि आईओ ले ले इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, न कि तुरंत उस चीज़ को अरेस्ट करने की तरफ भागे, अरेस्ट करने की बजाय उस फैमिली को पर्टिकुलर टाइम दिया जाए, ठीक है, ताकि सही गलत का फैसला हो पाए वहाँ कि कौन सही है कौन गलत है, केस कितना सच्चा है कितना झूठा है। तो इसके अंदर पर्टिकुलरली 2 महीने का टाइम दिया गया, ऐसा नहीं कि तुरंत अरेस्ट कर ले, बट वो एक सिचुएशन पता है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, कई बार तो एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं, कोई लड़की है उसके साथ एक्चुअल में क्रुएल्टी हुई है, उसको मारा पीटा गया, उसको जलाया गया या कुछ भी उसके साथ किया गया, वो अगर जाती है पुलिस स्टेशन में तो आईओ के पास पावर है कि उनको तुरंत अरेस्ट करे। बट अगर वो खाली फॉल्स एलिगेशन लेके गई है, वो गई है कि नहीं मेरे साथ क्रुएल्टी हुई है, बट वहाँ वो मेडिकली कुछ भी प्रूव नहीं दिखा नहीं पाती कि मेरे साथ मारपीट हुई है या मेरे को ये प्रताड़ना हुई है, तो उस सिचुएशन में आईओ क्या करेगा, आईओ दूसरी फैमिली को पर्टिकुलर टाइम देगा, दोनों फैमिली से बात करेगा, ठीक है। अच्छा उस जजमेंट में तो ये भी कहा गया है कि दोनों फैमिलीज के 4 सीनियर मोस्ट मेंबर्स प्लस आईओ बैठ के 2 महीने तक पर्टिकुलरली इस चीज़ की मतलब कि पूरी जांच करें। हो सकता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फॉल्स एलिगेशन लगाने के लिए एक मतलब ऐसी कन्फ्यूजन हो गई कोई भी दो लोगों के बीच में, जो 2 महीने का टाइम देके वो सुलझ सकती हो, तो वो केस तक आया ही नहीं हमारे पास, आए वो यहाँ तक आने से पहले वो पर्टिकुलर एक टाइम लेके, ये कूलिंग पीरियड बोला जाता है, जिसके अंदर दोनों परिवार मतलब शांत हो, क्योंकि तुरंत ये एक्शन लेते हैं ना तो उस टाइम पे वही होता है कि गर्म खून होता है, दोनों परिवारों का गर्म खून होता है, वो चीज़ समझ नहीं पाते, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, 10 दिन 1 महीना 2 महीना निकलता है, तो एक मतलब वो कूलिंग पीरियड टाइम होता है, उस टाइम पे दोनों परिवारों को वो एक्चुअल में जो सिचुएशन हुई है वो समझ आ जाती है जी। तो मेरे पास दीपक जी खास बातचीत हुए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के वकील हैं, हम आपको बताते, ये भी बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब नया केस आया उसके हिसाब से कोर्ट ने बिल्कुल निर्धारित भी दे दिया, इसमें, और इसमें भाई इसमें 2 चीज़ें हैं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दी है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता है कि बाकी जो हाईकोर्ट्स हैं, हरियाणा हाईकोर्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट है, ये भी इस जजमेंट को फॉलो करेंगे, दे आर नॉट बाउंड बाय दिस जजमेंट, वो बाउंड नहीं है इस जजमेंट को देने के लिए, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें ये लगता है कि एक जजमेंट जो आई है तो उसके साथ साथ बाकी जो अदर हाईकोर्ट्स जो हैं जितने भी स्टेट्स हैं, तो हमें लगता है कि
इस चीज के जरूरी फेवर में आएंगे, क्योंकि जरूरी इसलिए है जो न्यायिक केस है जिनकी सुनवाई होनी है वो तो उनका नंबर आता नहीं है, वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। और साहब दहेज के केस, साहब डिवोर्स तलाक के केस, साहब कोर्ट भरे पड़े हैं, फाइलें लंबी लंबी लगी हुई हैं। तो कोर्ट भी कहीं नहीं, आप लोगों से तंग हो चुका है जनता जनार्दन से, कि छोटे मोटे झगड़े लेके आप सीधा कोर्ट में पहुंच जाते हैं और जो जरूरी जो केस होते हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। सर क्या है मुन्ना भाई, जैसे डिवोर्स के जो केसेस होते हैं ना, इसमें मिनिमम जो केस फाइल करते हैं डिवोर्स का, तो उसके लिए एक चीज़ मैंडेटरी है कि आप दोनों की शादी को कम से कम एक साल हो रखा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी आज शादी हुई तो आप दो महीने या चार महीने बाद डिवोर्स केस फाइल कर दोगे। बहुत अच्छी है, तो ये जानकारी भी अच्छी साझा की है इन्होंने, क्योंकि एक साल शादी होना न्यायिक ही जरूरी है, उसके बाद आप तलाक का केस यानी कि डिवोर्स का फाइल लगा सकते हैं, दायर कर सकते हैं केस। ठीक है, हाँ, एक साल से पहले आप डिवोर्स का केस फाइल नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है कि कोर्ट ने, अब कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम कि डिवोर्स केस आपने फाइल किया, उसके बाद हमें पर्टिकुलर एक कूलिंग पीरियड दिया जाता है। वो ऐसा नहीं है कि डिवोर्स केस फाइल करते ही आपका डिवोर्स हो गया। ठीक है, उसमें फर्स्ट मोशन होता है, सेकंड मोशन होता है। तो उसमें क्या है कि अब दो सिचुएशंस होगी, आपको पहली बार में तलाक नहीं मंजूर होगा, पर्टिकुलर आपको एक साल का टाइम अगेन कोर्ट दे देगा कि ये आपका कूलिंग पीरियड है, इसके अंदर आप दोबारा सोचो, अगर आप नहीं सोच पाते हो तो आप सेकंड मोशन अप्लाई करो। सेकंड मोशन के अंदर फिर कोर्ट आपको देखेगा, अगर आपकी सिचुएशन नहीं बैठती है तो आपका डिवोर्स मतलब वो एक्सेप्ट करेगा। बट अब इसमें एक चीज़ और है नहीं, अब कोर्ट ने क्या किया है कि अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स देते हो, दोनों अपनी सहमति से फर्स्ट मोशन आप क्लियर करते हो, फर्स्ट मोशन क्लियर करने के बाद अगर आपको लगता है कि दो हस्बैंड वाइफ हैं और वो दोनों अपनी मतलब समझ को अंडरस्टैंड को मतलब वो नहीं मिला पाए, तालमेल नहीं बैठा पा रहे, आपस नहीं बैठा पा रहे और वो कहीं भी मतलब एक दूसरे के अलावा वो कहीं भी उस तालमेल को बैठाना चाहते हैं, या कोई नौकरी या अपना बिजनेस या फैमिली कुछ भी संभालना चाहते हैं बट वो एक दूसरे को संभालने के बजाय, तो उसमें एक चीज़ और है, अगर आप म्यूचुअली फर्स्ट मोशन डिवोर्स का लगाते हो तो उसके बाद हमें कूलिंग पीरियड के बिना भी हम दो या चार या पाँच या सात दिन के बाद हम सेकंड मोशन भी लगा सकते हैं। मेरे पास दीपक जी, मेरे खास बातचीत में हम आपको बताते चलने के बाद थोड़ी जानकारी साझा कर देते हैं। ये हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं और भिवानी जिले से आते हैं ये, और बहल इनका खुद का अपना घर है, और बहल के नज़दीक सर काम कौन सा गांव? अपना बुढ़ेड़ी गांव है और बहल अपनी रिहाइश काफ़ी सालों से बहल ही है। और ये दिल्ली रहते हैं, हाई कोर्ट में वहाँ बैठते हैं एज ए अधिवक्ता के रूप में, और ये अच्छी अच्छी जानकारी हमारे साथ अक्सर साझा करते रहते हैं। अब दहेज का फेक केस है लगा दिया, तो सारी बातें तो हमारी क्लियर हो चुकी, एक बात उसमें थोड़ा सा वीक पॉइंट रहेगा, फेक जो केस लड़के वाले ने किया है, कईयों का हार्सलमेंट कर दिया, तो उस सिचुएशन में उसके ऊपर कौन से धाराओं के तहत कितना सजा हो सकती है? सिचुएशन के अंदर भी, उस सिचुएशन के अंदर पहली बात तो ये होगी हम FIR क्वेश्चन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी फॉल्स एलिगेशन है तो हम जो सेकंड अपोजिट पार्टी जो है हमारी उसके ऊपर पर्टिकुलरली हम भी एक मतलब केस उनके ऊपर लगा सकते हैं, एक हैरेसमेंट का केस लगा सकते हैं, एक रेपो का हमारी अपनी एक रेपुटेशन। अच्छा, कई बार क्या होता है ये चीज़ें जो है ना ये सिर्फ एक रेपुटेशन के तहत ही जोड़ी जाती हैं, ये अपने एक समाज की धारणा भी है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए एलिगेशन लग जाते हैं कि नहीं पता नहीं हमारी इज्जत को क्या हो गया। अच्छा, इज्जत पहले एक सिचुएशन होती थी, जैसे मैं आपको एक पुराने टाइम में लेकर के चलूँ लोगों को, तो सती प्रथा हमारे यहाँ होती थी। अच्छा, वो सती प्रथा जो थी वो हमारी रिचुअल्स हमारे रीति रिवाजों के तहत आती थी पहले किसी टाइम में, वो हमारा रिवाज था। अगर हस्बैंड वाइफ में से अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। एक्चुअल में तो वो चीज़ हमारे पुराने टाइम में तो हमारा रिवाज था, लेकिन वो रिवाज ठीक तो नहीं था। दहेज प्रथा भी तो रिवाज है। ऐसे ये क्या है कि दहेज प्रथा में देखो, इस चीज़ में भी मैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा, जैसे ये जो चीज़ है सती प्रथा, ये हमारे राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने सती प्रथा बंद की थी। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी, उन्होंने बाकायदा उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया था। ठीक है, उन्होंने वहाँ की समझ भी ली, फॉरेनर्स की समझ भी ली, हमारे यहाँ की समझ भी ली। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि अपने समाज को बदलाव की ओर ले जाने की कोशिश की थी, उन्होंने अपना एक संगठन भी खड़ा किया था,
जो प्रेस आज जो मीडिया जो बोलते हैं, उन्होंने उस टाइम पे भी 2-3 बुक्स निकाली थी और प्रेस की आज़ादी के लिए उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठानी शुरू की थी। ठीक है, अच्छा दूसरा दूसरी जो बात आपने की अभी जो फॉल्स एलिगेशन, हाँ झूठा मुकदमा, उसके अंदर क्या होता है कि कई बार ये जो रेपुटेशन के साथ ये चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, उन लोगों के पे भी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके सजा हो सकती है जिन्होंने लड़के वालों को दुखी किया झूठा मुकदमा। बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों के ऊपर उनको भी पर्टिकुलर सजा हो सकती है। आप वो क्वेस्ट FIR जो है वो लेके उनके ऊपर आप दोबारा मुकदमा करो कि इन्होंने हमें इतने दिन हरास किया है जी। ठीक है, अच्छा इसमें देखो एक वो चीज़ जो बीच में रह गई, दहेज और स्त्रीधन, स्त्रीधन और दहेज ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस चीज़ के अंदर कई बार कन्फ्लिक्ट होता है। अच्छा, दहेज वो चीज़ें हैं जो हमने डिमांड की या डिमांड पे हमने दी या हमने अपनी मर्जी से अगले को दी, वो भी दहेज में, वो भी डोरी की डेफिनेशन में दोनों चीज़ें हैं, देना और लेना दोनों चीज़ें, वो होगी एक डोरी की डेफिनेशन, दहेज की डेफिनेशन। एक चीज़ होता है स्त्रीधन, स्त्रीधन वो चीज़ है जो कोई भी हम अपनी लड़की को देते हैं, जैसे कोई भी अंगूठी चैन कड़ा ये जो चीज़ें हैं। अच्छा, ये चीज़ें बाकायदा फैमिली में शादी से पहले दोनों परिवार बैठ के लिखवाते हैं और बोल के बताते हैं कि हम ये चीज़ें दे रहे हैं। हाँ, कई बार गांव में शादी में देखा जाता है, पूरी सभा के अंदर लोग खड़ा होकर बोलते हैं, दो चांदी की चुटकी, एक पाजेब, फलानी मौसी दे रही है, ऐसे इस तरीके से कई बार हम देखते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें दहेज में नहीं है, ये चीज़ें हैं स्त्रीधन में। इनको अगर आप क्लेम भी करोगे ना तो ये दहेज के केस के अंदर आप इंक्लूड नहीं कर सकते इन चीज़ों को। ये फिर क्लेम करेंगे तो क्या पता चलेगा, बोल के दिए ये बोल के, और जो रिटर्न फॉर्म जो होती है ना वो उसकी वीडियोग्राफी होती है, उसकी वीडियोग्राफी होती है बाकायदा, वो एक पर्ची लिख के दोनों हाँ। परिवार आपस में साझा करते हैं। हाँ, वो पर्ची होती है हाँ बाकायदा, और वही में भी लिखा जाता। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ें उसमें जब लिखी जाती हैं तो वही वो चीज़ है जो स्त्रीधन कहलाती है, वो दहेज नहीं है। अच्छा, दहेज और इन दोनों चीज़ों में भी आपको डिफरेंस समझना चाहिए। दहेज कार, बाइक, गाड़ी, कैश ऑन डिमांड, ठीक है। एक चीज़ और इसमें है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट आजकल कई बार सोशल साइट्स चल रही हैं, सोशल साइट्स के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट कई बार देते हैं, लड़के या लड़की दोनों की प्रोफाइल्स देखते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल्स के अंदर हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ नहीं लिख सकते कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को इस तरह की लड़की चाहिए और साथ में मेरे को कोई भी गाड़ी या इतना कैश चाहिए तो मैं शादी को करूँगा या कर सकता हूँ। वो चीज़ें भी इलीगल हैं, वो भी डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट के अंदर आती हैं। भी केस दर्ज हो सकता है, अगर कोई जज चाहे तो वो साइट पे देखते ही एक्शन ले सकता है। वो एक्शन ले भी सकता है, या अगर आप उसको एडवर्टाइजमेंट को कहीं देखते हैं, आप उसकी अगर शिकायत करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। ये क्या है, और ये जो चीज़ है ना, ये एक अमेंडेड चीज़ है, ये सेक्शन 4A जो है ये। अच्छा, डोरी प्रोहिबिटेशन जो एक्ट है ना, इसमें 10 सेक्शंस हैं, 4A, 8A, 8B, ये 3 सेक्शंस उसमें बाद में ऐड किए गए हैं। तो ये सेक्शन 4A के अंदर आता है कि आप किसी भी डोरी की, किसी भी दहेज की एडवर्टाइजमेंट करके डिमांड नहीं कर सकते कहीं भी, कोई भी सोशल साइट, कोई भी एक प्रिंट मीडिया या कहीं पर भी उस चीज़ को। दीपक जी, काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है, तो मेरे साथ मैं फिर कहता हूँ, गाँव से निकल के गए हैं और कहीं ना कहीं बड़े महानगर में, राजधानी में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो हमें भी कभी कभी इनसे बातचीत करने का मौका मिलता है और काफ़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आपका बड़प्पन है मुन्ना भाई कि आप इतना समय दे पाते हैं। या देखो इसमें क्या है कि मेरा तो एक सिंपल सा मोटिव है, इसमें एडवोकेट के पास आप कहीं भी जाते हैं, आप उससे जानकारी, अगर किसी भी एडवोकेट साथी से आप जानकारी लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक कंसल्टेंसी फीस देनी होती है, और वो भी हाई कोर्ट के वकील को, तो कम से कम 5,000-10,000 से तो शुरुआत होती है, वो ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो होती रहती है। बट कम से कम हमारा जो एक ग्रामीण परिवेश जो है, यहाँ के जो लोग हैं, मैं चाहूँगा कि ये इन लोगों को भी इतनी जानकारी ज़रूर हो, कि किताबों के बारे में इतनी नॉलेज ज़रूर हो कि इनको अपने अधिकारों का पता हो। अगर किसी बच्ची के साथ यहाँ गलत होता है, किसी लड़की के साथ यहाँ गलत होता है, या एक्चुअल में किसी लड़के के साथ भी ये गलत हो सकता है, अगर वो गलत हो तो कम से कम अपना समाज इतना जागरूक तो हो कि उसको पता हो कि ये गलत हुआ है, तो इसके खिलाफ हम कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। जी जी। अच्छा दीपक जी, पिताजी और माता जी का क्या?
मेरी पिताजी का नाम श्रीमती मुन्नी देवी हैं, मेरे पिताजी का नाम श्री सतवीर सिंह है। पिताजी मेरे BSF से रिटायर्ड हैं, मतलब मेरी 3 पीढ़ियाँ BSF एक बेल्ट की जॉब में ही है। चौथी पीढ़ी में आके मैंने ये प्रोफेशन चेंज किया है। तो कौन सा चैम्बर में बैठते हैं? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के लिए मेरी आउटसाइडर ऑफिसेज हैं। मेरी द्वारका के अंदर ऑफिस है और एक रोहिणी के अंदर ऑफिस है, ठीक है, दोनों जगह मेरी ऑफिसेज हैं, कोर्ट से बाहर हैं। तो फिर जैसे आपसे लोग मिले, जैसे सलाह लें, तो आप द्वारका या रोहिणी दोनों जगह मेरी पर्सनल ऑफिसेज हैं, कभी भी आप वहाँ आ सकते हो। मेरे नंबर 888-243-1300। कोई भी अगर ऐसी कानूनी राय या कोई भी ऐसा परिवार जो पीड़ित हो ऐसी सिचुएशन से, तो जागरूकता के लिए इस चीज़ में कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ या मैं कोई फीस की डिमांड कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपनी अवेयरनेस के लिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि सभी को इतना जागरूक होना चाहिए। दूसरी बात, कहीं भी कोई भी ऐसी कमी लगती है तो आप निसंदेह किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। दोनों जगह में से कहीं भी आप आ सकते हैं, किसी भी समय आप आ सकते हैं जी। तो ऐसा वकील गाहे बगाहे देखने को मिलते हैं जो अंदर की बातें आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट साझा कर रहे हैं, ताकि आप कहीं ना कहीं इधर उधर भटकने से बचे, आपका समय खराब होने से बचे। तो ऐसे होनहार जो एडवोकेट हमारे देश के, उनको मैं सलूट करता हूँ, जो जनता को हमेशा एक अवेयरनेस लेके आते हैं, उनमें जागरूकता पैदा करते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ दीपक जी खास बातचीत में बने हुए थे। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की। मुन्ना भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, थैंक यू। तो हमारे साथ खास बातचीत में दीपक जी बने हुए थे, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।